सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने आज एक बहुत अहम फैसला दिया है जिसमें समलैंगिक विवाह का जो अधिकार है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार तो नहीं दिया लेकिन कई सारे दूसरे अधिकार जो हैं वो उन्होंने देने की बात की हमारे साथ इस मुकदमे के लीड पिटिशनर सुप्रिया और अभय हैं आप लोग जब कोर्ट में फैसला सुनाया जा रहा था क्या इमोशन्स गुजर रहे थे आपसे पूरा फैसला आने में थोड़ा टाइम लगा तो एक डेढ़ डेढ़ घंटे से ज़्यादा लगा इनफैक्ट और राइट द एंड हम लोग को थोड़ा थोड़ा होप था बट वो होप कम होता गया जैसे जैसे शब्द सुनने में मिले आ, और, एक दूसरे से कुछ कहा उस दरमियान कि आपको क्या लग रहा है क्या होगा मतलब हम लोग सुनने में लगे हुए थे कि जजेस क्या बोल रहे हैं तो बट एक दूसरे के फेसेस देख रहे थे और मतलब लाइक पता चल रहा था कि इट्स नॉट गोइंग इन आर फेवर तो डेफिनेटली दुखी तो बहुत हुए हैं ये फैसले से आ, या। आप जब सुप्रीम कोर्ट की ये जो स्टेप्स चढ़ रहे थे कोर्ट नंबर वन में जाने के लिए तो आपने आप किस उम्मीद से जा रहे थे कि आज आप शादी का अधिकार लेकर लौटेंगे हमारे को उम्मीद तो बहुत थी आ, सुप्रीम कोर्ट से क्योंकि बहुत सारी प्रोग्रेसिव जजमेंट्स आई हैं ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स एल जी राइट्स को लेकर के तो इस वाली आ, केस से भी बहुत उम्मीद थी हमारी हमें लग रहा था एटलीस्ट कुछ तो मिलेगा कुछ राइट्स मिलेंगे मतलब बहुत सारे जो टेंजिबल राइट्स होते हैं बैंक अकाउंट इनहेरिटेंस एक्सेट्रा एट्सेट्रा एक एक हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह तो बट बहुत ज़्यादा कुछ कंक्रीट आया नहीं है तो डेफिनेटली दे, हम लोग उतने मतलब खुश तो नहीं है ये जाहिर सी बात है आपको निराशा होगी आप किसी मांग को लेकर यहाँ पे आए थे आपसे जाना चाहूँगा शुक्रिया Um, थोड़ा लंबा प्रोसेस था क्योंकि ऑलमोस्ट डेढ़ घंटे से जजमेंट uh, पढ़ा जा रहा था और धीरे धीरे हमें समझ में आ रहा था कि um, जो हम मांग रहे थे सब कुछ हमें नहीं मिलने वाला है बट अगेन वी आर होपफुल क्योंकि ये ओवरनाइट तो है नहीं बट टाइम लगेगा और um, हम लोग वापस आएंगे कम्युनिटी के सब लोग रहेंगे और विल गेट द मैरिज इक्वालिटी समडे सो वी आर वेरी होपफुल आज बुरा लगा ऑफकोर्स बहुत निराश हुए सब कोई निराश हुए बट वी आर होपफुल क्योंकि आप लोगों ने हिम्मत की इस तरीके की याचिका दायर करने की तो समुदाय के कई लोग हैं जो आपकी याचिका से जुड़ गए इस लिहाज से जी. तो निराशा आपको भी है निराशा उन लोगों को भी हो रही होगी उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या हिम्मत हौसला रखना चाहिए या अब क्योंकि लड़ाई जैसे आपने कहा लंबी है वही मतलब प्रोसेस है 2018 से लेकर के आज तक काफ़ी आगे बढ़े हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे आम, बस एक चीज़ जो ज़रूरी है वो होप रखना बहुत जरूरी है आ, तो हम लोग वापस आएंगे हम लोग अपने जो हक है वो मांगेंगे बार बार और बस एक चीज़ जो है आई थिंक सबको जो मैं बताना चाहूँगा वो वो आशा रखना बहुत ज़रूरी है निराशा है लेकिन आशा भी हाँ निराशा है लेकिन आशा भी है क्योंकि देखिए हम लोग इतनी बड़ी कंट्री है 1.4 बिलियन पीपल है हम दो लोग हैं हम आप आए सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी बहुत बड़ी बात है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट के पास आ पाए हम लोग बोल पाए कि ये हमारी आ, ये, मांग है इस पर विस्तार विमर्श हो इस तरह तो मतलब लाइक एक डेमोक्रेसी है बाद में चेंज आएगा आज नहीं आया वो चेंज इवेंचुअली तो आएगा लोग समझेंगे कि ये ये सबका अधिकार होना चाहिए विवाह सबका अधिकार होना चाहिए तो होगा अभी मतलब ये जो एक, एक समलैंगिक व्यक्ति होता है उसके जीवन में कई सारे के संघर्ष रहते हैं वो बाहर निकलना भी उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है तो ये जो संघर्षों का दौर है और जो आप लोगों ने यहाँ पे याचिका दायर की थी वो उसी की नींव है ये संघर्षों का दौर और ये भी एक संघर्ष है तो आप लोगों को निराशा होती है हताशा महसूस होती है नहीं देखिए अगर आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम का हराइजन देखें अगर आप मतलब लाइक नाइनटीन नाइन्टी ऑनवर्ड से देखें तो जिस डायरेक्शन में सोसाइटी कंट्री इवॉल्व हो रहा है एक्सेप्टेंस बढ़ रही है एल राइट्स की और जुडिशल वर्डिक्स भी थोड़े फ्लिप फ्लॉप हुए हैं 2009 में जैसे डिक्रिमिलाइज़ हुआ था दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा फिर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने उसको पलटा पलट पलटा दिया देन 2018 में फिर से डिक्रिमलाइज़ किया तो एक आध बैटल्स तो आप लूज़ करते ही हो बट इवेंचुअली तो लॉन्गर uh, टर्म में तो हमें काफ़ी आशा है कि कंट्री में चेंज आएगा सरकार के ऊपर एक जिम्मेदारी डाली गई है कि उनको एक समिति बनाकर जो आप मतलब कोर्ट चाहता है कि आप लोगों को अधिकार मिले आप लोगों की गरिमा बरकरार रहे और अधिकारों का सम्मान हो आपको लगता है सरकार आप लोगों को अधिकार दे पाएगी हाँ आई I मीन mean, uh... के ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि वो दिस इज़ कंट्रोवर्शियल बट हाँ आशा तो है आ, देखते हैं क्योंकि अभी जजमेंट आया है हमें आ, देखना पड़ेगा पूरा पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा और एज आई सेट कि वी आर होपफुल देखते हैं क्या होता है